26 जनवरी की रात को माटुंगा स्टेशन पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को मारने और उसका फेसबुक लाइव वीडियो बनाने के आरोप में शिवसेना नेता नितिन नांदगांवकर को पहले गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के सिर्फ 2 घंटे बाद ही उन्हें जमानत दे दी गई। एनाटॉप हिल पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने शुक्रवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया, शिवसेना कार्यकर्ताओं की पहचान नितिन नांदगांवकर और दर्शनबीर सिंह सुरजीत सिंह कोचर के रूप में हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पीड़ित पर आरोप? रजीबुर रहमान हबीबुर रहमान खान ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार नांदगांवकर और सिंह ने खान को फोन किया और कुछ काम से पार्टी की एनाटॉप हिल शाखा आने को कहा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो दोनों ने उन्हें पीटा। पुलिस के अनुसार खान को सीसीटीवी कैमरे में एक महिला को घूरते और छेड़छाड़ करते हुए माटुंगा रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है। सीसीटीवी का जो वीडियो सामने आया है उसमें माटुंगा स्टेशन में एक छात्रा अपने घर जाती हुई दिखाई दे रही है। अकेली छात्रा ब्रिज से होकर जा रही है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। तभी सिरफिरा युवक पीछे से आता है और अचानक लड़की को चूमकर भाग जाता है। अचानक हुई इस घटना से छात्रा डर जाती है। यह सारी घटना स्टेशन में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है।